You're right. हमारा कंट्री में टैलेंट का कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सोच का। जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा, हमारा मानसिकता नहीं बदलेगा, औरत के प्रति हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। बैंक में जमा कराने जा रहे होंगे? ना ना, बैंक में तो ना जा रहे थे। हाँ, पढ़ने लाग रहा से दाल में जरूर काला है। सारा क्लास जा रहे हैं तो आप इसे जाने से क्यों रोक रहे हो? There's a reason. मेरे को मत सिखाओ। I am a government officer, you see. अगर वो नारी लाल जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल नहीं जाएगा, उस पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं। बेटा राज, नाम तो तन्ने लिखा दिया, लेकिन नाम लिखाने से क्या होता है, उसका बापू भी तो मानना चाहिए। अगर उसका बापू ना माना ना, तो बेटा चले जाना अकेले और मना लेना पिकनिक। मने एक बात समझ में ना आती, उसका बापू हर चीज के लिए मना क्यों कर देता है? अरे भाई, स्कूल की पिकनिक पे जा रहा सू, कौन सा उसके साथ अकेले सिनेमा देखने जा रहा हूँ। किसके साथ सिनेमा देखने का प्लान बना रहा से? अब किसके साथ बापू, किसके साथ भी तो ना। तो अकेले में क्या बड़बड़ा रहा था है? देख राज, तू अपनी आदत बदल ले, पहले तू छुपावे है, बाद में बतावे है, दोनों का ही टाइम वेस्ट होता है। बता ये बात। बापू, बात ये से कि मैंने सरोजनी से बिना पूछे उसका नाम स्कूल की पिकनिक में लिखा दिया से। तो इसमें दिक्कत कैसे? दिक्कत से उसका बापू, वो सरोजनी को ना जाने दे रहा पिकनिक पे। अब बोलो, अब अगर वो नाम माना ना, तो पिकनिक पे मारी तो बैंड बज जाएगी। अब उसके बापू को कैसे समझाऊं? उल्टी बात मत कर, छोरी ने समझा। अगर उसकी जाने की इच्छा होगी ना, तो बापू अपने आप मान जाएगा। सच? और क्या, 16 आने सच। देख बेटा, चीज जिस मन से की जावे है ना, जिस हिसाब से की जावे, परिणाम भी उसके हिसाब से निकले। अब तू किसी आदमी को फिल्म देखने के लिए बिठा दे, रात भर देख लेगा मजे से। मजाल है जो पलक भी झपक जावे है? कारण साफ से, चीज उसके मन की से। अब उसके हाथ में थमा दे कोर्स की किताब, आधे घंटे में ना सो लेना तो मेरा नाम बदल दियो। सब समझा बापू, मैं तो कोशिश ही गलत दिशा में कर रहा था। और क्या, अब सही दिशा में कर। मेरी एक बात पल्ले बांध ले, जिस काम में जैसी तरंगे भेजेगा ना, परिणाम उसके हिसाब से ही निकलेंगे। तू ऐसा कर, उसके बापू की तरफ ना सकारात्मक तरंगे भेज, पॉजिटिव वेव्स, फिर देख नतीजे। बापू, ये तरंगे ऐसा भी कुछ होवे है, मतलब? अरे बिल्कुल होवे हैं, टेलीपैथी कहवे हैं इसे। अगर किसी इंसान को सच्चे दिल से याद करो ना, तो एक मन की बात दूसरे मन तक तरंगों के रूप में पहुंच जावे है। आजमा के देख लियो। ठीक है बापू, आज ही आजमाता हूँ। अब इतनी जोर से भी मत भेजियो कि छोरी घर ही आ जाए। क्या बापू, आप भी ना। चल अब सो, सपने में भेजियो तरंगे। विजय, मुनीम जी को निकाल दिया क्या? नहीं भाई साहब, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हिसाब किताब तू जो देख रहा से। भाई साहब, अब हिसाब किताब तो देखना ही पड़े, अब किसी पर इतना भरोसा करना भी तो ठीक ना है। बात तो सही है थारी, करना भी नहीं चाहिए। सांप हमेशा आस्तीन में ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं भाई। समझाता, पहले ये बता, मुनीम को पैसे तूने दिए थे? पैसे? कैसे पैसे? देख विजय, मैं एक दो नहीं, पूरे 50,000 की रकम की बात कर रहा हूं, जो मुनीम चुपके से अपने गमछे में दबा के ले जा रहा था। वो तो भला हो गमछा नीचे गिर पड़ा और नोट बाहर आ गए, तेरी भाभी ने अपनी आंखों से देखा है सब। भाई साहब, मने तो याद ना आ रहा। तो इसका मतलब मैं ये समझूं
कि वो पैसे चुरा के ले जा रहा था। हो सके? देख विजय, हमारे सामने गोल गोल बात मत कर। मैं सीधा आदमी हूँ, जवाब भी सीधे ही चाहता हूँ। अगर उस मुनीम ने पैसे चुराए हैं तो वो जेल भी जाएगा। मैं ये नहीं देखूंगा उसने बापू का कितना साथ दिया है, कितनी सेवा की है। अरे भाई साहब, मुनीम जी इस घर के पुराने सेवक है, वो हरगिज ऐसा ना कर सके। इसका मतलब साफ, पैसे तू नहीं दिए, और ये भी जानता हूं किस लिए दिए। देख, बापू को हराने वाला आज भी कोई ना दिखता, इस बार भी चुनाव वो ही जीतेंगे। और एक बात और, वो दिन लद गए जब चुनाव धन और बल के बलबूते पर जीते जावे थे। आज के चुनाव का फैसला जनता करे है, इसलिए फालतू के लोगों को पैसे मत बांट। इससे गरीबों के दुख दर्द दूर कर, वही काम आवेंगे। भाई साहब, दुख दर्द दूर करने के लिए तो आप हो ना, मैं तो बस अपने दूर कर लूं, यही बहुत है। तो अपने ही कर ले, मुनीम के क्यों कर रहा है? तने पता है ना कितनी ऊंची चीज है वो? 50 में से 10 बांटेगा, 40 अपनी जेब में घुसेड़ लेगा। भाई साहब आप उसकी चिंता ना करो, मुझे पता है किसके पर कब कदम। जब तक तू कतरेगा ना, तब तक वो मुनीम हमें कुतर चुका। के बात से ऐसे क्यों देख रहे थे? आज घड़ी देर लगा दी। देर तो हो गई सर, पर पहले आप बताओ, खाना खाया? खाया। और दवाई? ना। आप ऐसे क्यों करते हो जी? दवाई तो लेनी चाहिए ना। मैंने सोचा तू आवेगी तो तेरे हाथ से ही खा लू, जल्दी असर करेगी। भारी तारीफ करने के बहाने तो कोई आपसे सीखे। काश बहाना ढूंढना पड़ता, पर आज तक तो ऐसा होया ना। भगवान ने भी औरत को पता नहीं किस मिट्टी का बनाया, घर का काम भी करे है और बाहर का भी। कभी बहू बन जावे है तो कभी बेटी, कभी माँ, कभी सासू, और सबसे बड़ी बात अच्छी जीवन साथी। एक औरत और कितने किरदार। फिलोसोफर महोदय, बातों को गोल गोल घुमाना तो कोई आपसे सीखे। और जीवन जीने का ढंग तुमसे। अच्छा, आज ऑफिस में काम ज्यादा था के? क्यों? फाइल जो लेके आए कंपनी की तरफ से सर्वे करने को मिला कि इस गांव में हमारी कंपनी का दूध जहां जहां जाता है उसकी क्वालिटी कैसी से, मिलावट तो ना से, यही सब जानकारी जुटानी से। ये तो घनी चौकी बात से, पर ये गांव वाले देंगे तने जानकारी? उनकी मर्जी, हमारा तो काम से, मन्ने तो करना ही पड़ेगा। ठीक कह रही सर, मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊं तो अपनी ड्यूटी करूं। हो जाओगे, धीरज रखो। और वैसे भी कोई इतनी जल्दी ना से, मैं हूं ना, और बापू ने भी तो अपना काम शुरू कर दिया से। यही सोच के तो कोसू खुद ने कि मारे होते हुए भी बापू ने इस उम्र में काम करना पड़ गया। इसमें थारी क्या गलती से? गलती जिनकी से उनसे हम मिलकर निपट लेंगे। वैसे भी निपट तो मैं आज ही लेती, बस यूं कहो कि रुक गई। क्यों, अब क्या हो गया? होना क्या था, वो कमीना लाला हमेशा की तरह राशन खत्म होने का बोर्ड लगा के बैठा था और सारी औरतें
हाय लाला चिल्ला रही थी, लेकिन मजाल है कि उस लाला के कान पे जू भी रेंग। मन्ने तो उस लाला को देखकर ऐसा खून खोल रहा था ना कि मैं तने बता ना सकी, पर वो तो मैं चुप रह गई। मारा हुक्का पानी बंद है ना, नहीं तो आज ही उस लाला को नानी दादी याद दिला देती मैं। हाँ अरे शांत हो जा मारी झांसी की रानी, शांत हो जा। ले पानी, पानी ना जा, खुद भी पी ले और मारे लिए भी ले। लाती हूँ। मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जब तुझ जैसी बहू मिली। पुण्य तो मैंने किए होंगे माँ जी, जो आप मेरी माँ बनी। जी तेरे बेटा, एक बात का मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हारे साथ ना इंसाफी की। वो क्या माँ जी? काश मैंने तेरा ब्याह विजय के साथ ना कराया होता। कभी भी विजय से तेरी तारीफ नहीं सुनी, उसने दो मीठे बोल नहीं बोले तेरे। पता नहीं वो प्यार करता भी होगा या नहीं। ऐसा ना है माँ जी, वो मन्ने से बहुत प्यार करे से। अब आदमी उसी पे तो गुस्सा हो इसे जिससे प्यार करे से। गौ है तू गौ, जिस तरह तू बड़ों की सेवा करे है ना, भगवान जी तुझे अच्छा ही फल देंगे। फल तो मिल गया है माँ जी, इतना अच्छा घर परिवार तो किस्मत वालों को मिले से। एक बात कहूं माँ जी? बोलना बेटा। मन्ने बस कोमल की चिंता सतावे से, पता नहीं क्या होगा। जेठानी जी उसकी शादी कराना चाहे से और वो हॉकी खेलना चाहे से। देख बेटा, शादी ब्याह तो भगवान जी के घर से लिख के आवे। जब कोई अच्छा छोरा आ जाएगा ना तो उसका ब्याह हो जाएगा। और रही बात हॉकी की, अरे जब तक वो माँ बाप के घर में है उसे अपने अरमान पूरे करने दे। फिर पता नहीं ससुराल कैसा मिले, उसे वहां हॉकी खेलने दे या ना दे। अब जा, जाके सो जा, रात बहुत हो गई। और सुन, इतना सोचा मत कर, भगवान जी सब ठीक करेंगे। मिट्टी से जुड़े लोगों को मिट्टी रास आवे है। आप सही कह रही हो माँ, सारा खेल मिट्टी का सा। इंसान जिंदगी भर ऊंचा उठने के लिए क्या क्या ना करे, पर अंत में सब मिट्टी हो जावे। इसी ने हमारे को तो बचा लिया, वरना तो इस उम्र में हम लोगों से खेती बाड़ी हो सके थी के। अच्छा वो हमारा जो तने काम आवे था, वरना हमारा क्या होता। अब जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं इसी के सहारे गाड़ी चलेगी। अरे नीलम भी कितना कर लेगी। अरे बेटी जे तू कागज पत्थर क्या पलट रही से? माँ ये कागज पत्थर ना से, सर्वे की फाइल से। मैंने कंपनी की तरफ से पूरे गांव में घूम घूम कर सर्वे करना से। वो क्या होवे से? माँ सर्वे का मतलब होवे जानकारी इकट्ठी करना। किस बारे में? दूध की क्वालिटी के बारे में। किसके घर में कहां से दूध आवे है, कैसा दूध आवे है, हमारी कंपनी का दूध कहां कहां जावे है, उसकी लोगों के बारे में राय क्या से, बस यही जानकारी इकट्ठी करनी से। वो तो ठीक है बहू, पर जे तू करेगी कैसे? तू तो जाने है ना कि इस गांव में हमारे परिवार का हुक्का पानी बंद से, थारे को अपने घर में घुसने कौन देगा। मैं तो कहूं इस झंझट में पड़ने की कोई जरूरत ना है, जे ना हो कि कोई और नई आफत हमारे सर पे आ जावे। माँ
इसमें कौन सी आफत आनी से? बस जानकारियां ही तो इकट्ठी करनी से। हाँ वो तो ठीक है, पर इसके लिए लोगों से भी तो बोलचाल होनी चाहिए ना। पहले ही हमारी बेइज्जती हो चुकी है बहू, तू तो जानती है। अब तू घर घर जाके दोबारा से बेइज्जती करवाएगी के? माँ इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात से, और वैसे भी हुक्के पाड़ी वाली बात इसमें लागू ना होवे। ये सरकारी काम से और लोगों की भलाई के लिए से। दूसरों की भलाई के चक्कर में हम ही लोग मरे हैं। मना कर दे, इस झंझट में पड़ने की कोई जरूरत ना है। मना बोल दे उन लोगों से कि हमारे से ये काम ना हो सके। ना माँ, ना कर सकूं। कर दिया तो नौकरी भी चली जावेगी। अच्छा तो ये बात है तो रहन दे, कोई जरूरत ना मना करने की। एक थारी नौकरी का ही तो सहारा है हमारे परिवार को। तू कर, जो होवेगा देखा जावेगा। मैं हूं थारे साथ। माँ आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। खुशखबरी देनी है। वो क्या है, हमारी क्लास ना वहाँ पिकनिक पे जा रही है, तो मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। के? अरे पागल हो गई तू, किसे पूछ गया लगा रही तोड़ नाम? अरे किसे पूछ गया लगा रही तोड़ नाम? बापू इसमें पूछने की क्या बात है, राज भैया जा रहे थे तो मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। नहीं राज भैया जा रहे थे, अरे वो छोरा से वो जा सके। ये क्या बात हुई भाई, पिकनिक का छोरा छोरी से क्या लेना देना है? लेने देना है भाई साहब। अब यू छोरी से कल को कुछ ऊंच नीच होगी तो कौन जवाब देगा? अच्छा ये अच्छी बात कही भाई तूने, ऊंच नीच तो कहीं भी हो सके है। इसका मतलब ये तो ना है कि हम अपनी बच्चियों को घूंघट में ढाक दें। सुशील ठीक कह रहा है, कोमल अभी बच्ची है, अगर स्कूल के साथ पिकनिक जाना चाहती है तो उसमें हर्जी क्या है? माँ जी देखो सीधी सी बात है, हर्ज का पता तो बाद में चले से, मारे हिसाब से तो ये बच्ची को नहीं। इसकी उम्र तक आते आते तो हमारी दो बार शादी हो गई थी। आया जेठानी जी, आपने दो बार शादी कर रखी है। चुप कर, थारी एक ही होगी ना, बहुत है। तू बता थारी पिकनिक दिन दिन में जा रही है कि रात में भी रुकना पड़ेगा वहां पे? चाचू मारी तो रात को भी रुकेगी चाचू, वैसे और किसकी पिकनिक है? मारी थारी दुप्पल मत हाक कोमल, मैंने तो ना सुनी। हाँ तो मैं भी तो केवल इनको सुनाई रही थी। के मतबल? मतलब ये बापू के मैं देखना चाहती थी कि आप लोग मुझे पिकनिक के लिए भेजते कि ना, क्योंकि आपने राज भैया को तो कुछ ना कहा, वो तो जा रहे हैं पिकनिक पे और आप मेरे पे चढ़ गए राशन पानी लेके। अरे सुनो छोरी, मारे लाल को कोई क्यों बोलेगा? अरे छोरा से इसका जो मन करे वो करे, जहां जाना है वहां जाए, ऐस करे बस। जमींदारों के घर का छोरा से। वाह लक्ष्मी वाह, अच्छी शिक्षा दे रही है अपने लाल को। हाँ कि लाल तेरा जो मन करे तू वो कर, हैं काले कर्म कर ले चाहे, फिर भी तू लाल ही रहेगा। हैं क्यों भाई, बच्चियां क्यों ना आ जा सकें, उनके पाँव ना हुए, मन में इच्छाएं ना हुए, हैं और ये सब
ये सब मान्यताएं बनाई किसने? समाज ने ना, ऊपर से तो बन के ना आई ना। भाई साहब आपकी बात सही है, समाज ने बनाई है तो समाज ने कुछ सोच समझ के तो बनाई होगी। ये अच्छी कही तूने, ये जात पात ऊंच नीच ये सब समाज ने ही बनाई हुई है। अब भगवान ऊपर से हिंदू मुस्लिम का ठप्पा मार के तो भेजे ना है। माना भाई साहब ना भेजे, पर ब्राह्मण ब्राह्मण हो है और क्षत्रिय क्षत्रिय हो है। चाचू 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 बस बस बस, ये बात तो बस दूर निकल ली, जरा नजदीक ले आओ और पिकनिक की बात करो। भाई मैंने ना पिकनिक के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी से। हाँ बेटा, के तैयारी करनी से बता, मैंने बता के बना दू थारे वास्ते। मामा खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हम सबने तय किया से वहां जाकर बनाएंगे और खाएंगे। बेटा ये अच्छा तय किया तुम लोगों ने, इससे साथ मिलके काम करने की भावना विकसित हो गया। वैसे भी पिकनिक का मकसद क्या हुआ? शिक्षा के साथ साथ पर्यटन। जेठ जी ये पर्यटन कहे हो रहे? बड़ा हसन लाग रहा है, तने पता है क्यों हुए? क्या क्यों हुए? क्या क्यों हुए? जो अरे जो भाई साहब ने बोला अभी, उसका क्या मतलब हुआ है? पर्यटन, पर्यटन मतलब मौज मस्ती और के। भाई साहब सही बोल रहे हैं ना? बस हंस दिए। पर भाभी को तो पता होगी। देवर जी देखो, इन सब चक्करों में तो मैं पढ़ू ना, होगा कुछ भी हमारी बला से? सीधे क्यों ना कहती कि ना आता है, पर मानेगी क्यों? नाक ना नीची हो लेगी। हाँ अब बची माँ। मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ घूमने फिरने से जुड़ा है। वाह माँ वाह, देखा मारी माँ का शाब्दिक ज्ञान भले कमजोर हो पर कॉमन सेंस कमाल है मारी माँ का। जेठ जी ये सेंस तो मारे में भी कूट कूट के भरा से। मजाक नहीं कर रहे, I'm serious. I am also very serious. ये पिकनिक जाएगी, मतलब जाएगी। देखा ये जाएगा तो वैक कंडीशन है। क्या? सचिन भी इसके साथ जाएगा। इन्ना अब कैसी बातें करो? मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक की बात तो बाद में है करना। पहली बात ये है कि स्कूल वाले सचिन को परमिशन देंगे क्या? Tell me, tell me. Okay, तुम इसके साथ जाओ। एक काम करो आप चली जाओ।